लास्ट क्लास में हमने ड्राइंग ऑफ बीम्स पढ़ा था कि बीम्स की ड्राइंग्स हम कैसे बनाते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे कि ड्राइंग ऑफ स्लैब हम कैसे बनाते हैं। बेसिकली आप लोगों ने पहले थ्योरी में पढ़ा है कि हमारी जो स्लैब्स हैं वो टू टाइप्स की होती है, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। ठीक है, वन वे स्लैब में हमारा जो मेन रेनफोर्समेंट है वो इसी डायरेक्शन में होता है, शॉर्टर साइड में हम रेनफोर्समेंट को स्पान करते हैं और लॉन्गर साइड में हम डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं। यहाँ पर मैं एक प्लान बनाई हूँ, ये देखिए हमारा स्लैब का एक प्लान है, ये मेरी स्लैब है वाइट, ये इसका शॉर्टर साइड है और ये लॉन्गर साइड है। इसमें जो मैंने रेनफोर्समेंट लिया है, ये जो मेन रेनफोर्समेंट है ये हमारा इस डायरेक्शन में ऐसा प्लेस हुआ है, अल्टरनेटिवली बार्स जो है रेनफोर्समेंट जो है स्लैब में, जैसे हमने बीम में भी देखा था कि स्लैब में जो रेनफोर्समेंट है वो बेंट हो जाता है, उसको कर्टेल भी बोलते हैं। कि जब हम सेक्शन में देखेंगे, जैसे इसमें मैं थोड़ा इनलार्ज में आपको बता रही हूँ, सपोज ये मेरी स्लैब है और ये मेरा रेनफोर्समेंट ऐसे चल रहा है, राइट। तो ये जो मेरा स्पान है इसका 0.1 L, स्पान सपोज L है, इसका जो 0.1 L होता है फ्रॉम दिस सपोर्ट, इस पॉइंट से ये 0.1 L पर हम ये जो बार है उसको कर्टेल कर देते हैं या बैंड कर देते हैं, बैंड बोलते हैं या कर्टेल बोलते हैं, इसको ऊपर ले जाकर और फिर इसको ऐसे टर्न कर देते हैं, राइट। तो ये चीज हम बीम में भी करते हैं और ये चीज हम स्लैब में भी करते हैं। स्लैब में हमने इसको यहाँ पे बैंड किया, तो इसमें क्या होता है, स्लैब में हमारे हर बार बैंड होते हैं। कैसे होते हैं, एक फर्स्ट बार सपोज मेरा यहां से हम स्टार्ट करेंगे, मैंने बीच में शो किया है, हमारे बार पूरे यहाँ पर ये शॉर्टर स्पान है, तो यहां से यहां पर ऐसे प्लेस करेंगे, लेकिन इस फुल लेंथ में हमारे बार्स आएंगे, यहां से स्टार्ट होंगे यहां तक आएंगे, ठीक है। बार की स्पेसिंग जो है वो हमारे डिजाइन से निकलेगी कि हमको कितना स्लैब थिक लेना है, हमारा स्लैब पे लोड कितना आ रहा है, स्लैब का स्पान क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम पहले स्लैब की डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम स्लैब की ड्रॉइंग बनाते हैं। तो हम जब ड्रॉइंग बना रहे हैं हमको मालूम है कि हमारे स्लैब बार्स जो है कितने स्पेसिंग में है, वो सब हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, तो हम स्टार्टिंग यहां से करते हैं, यहां तक प्लेस करेंगे, ठीक है। बार्स जो लगेंगे हमारा, बार्स यहां से बैंड होगा, फर्स्ट बार सपोज इस डायरेक्शन में इस साइड से बैंड हुआ है तो यहाँ पे बैंड होके फिर पूरा सीधा चले जाएगा। हम सेक्शन में देखेंगे तो सपोज ये एक बार है मेरा, यहाँ पर बैंड हुआ, यहां से आया और ये पूरा हॉरिजॉन्टल नीचे तक यहाँ इसे एंटर कर लेगा। नेक्स्ट बार जो होगा उसके बाजू वाला वो हम इस डायरेक्शन में, अभी हमने इधर से बैंड किया था, अब वो दूसरे डायरेक्शन से उसको यहां से बैंड करते हैं, इस मतलब स्टार्टिंग उसकी कैसे होगी, स्ट्रेट होगी फिर लास्ट में जाके बैंड होगा। फर्स्ट बार इधर से बाइंड होगा, सेकंड स्ट्रेट जाएगा फिर इधर बाइंड होगा, नेक्स्ट डे फिर इधर से बाइंड स्टार्ट बाइंड होगा फिर इधर स्ट्रेट जाएगा, फिर यहां से स्ट्रेट जाके अल्टरनेटिवली बार अल्टरनेटिव डायरेक्शन में हम बाइंड करते हुए पूरे यहां से यहां तक प्लेस करते हुए, ये हमारा हुआ बेसिक मेन रेनफोर्समेंट। हम वन वे स्लैब पर समझ रहे हैं, इसमें मेन रेनफोर्समेंट जो है एक ही डायरेक्शन में, इसलिए ये इस तरीके से पूरा बैंड होगा। अब इसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इस बार आते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो है हमारे लॉन्गर डायरेक्शन में आएंगे, शॉर्टर डायरेक्शन में आकर लॉन्गर डायरेक्शन में हमारे पूरे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की जो स्पेसिंग है उसके अकॉर्डिंगली पूरे यहां से यहां तक पूरा प्लेस करेंगे। अब फर्स्ट बार जो हम प्लेस करते हैं, सपोज ये हमारा यहां पर मैं सपोज ये फर्स्ट बार बैंड कर रही हूँ, बता रही हूँ कि इसकी प्लेसिंग कैसे आती है, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा छोटा होना है आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेरा स्लैब है, ये मेरा स्लैब का सपोर्ट है, ठीक है। बार को हम क्या है, ये यहां से पूरा अंदर तक ले जाते हैं, हमारी बीम है या सपोज ये बीम आ गई है तो स्लैब बीम के ऊपर हमारी स्लैब आती है, जब बीम के साथ मर्ज होती है तो
ये जो हॉरिजॉन्टल बार है तो पूरा अंदर तक जाएगा, अल्टरनेटिवली बार बेंड हो गए हैं तो वो यहाँ कहीं बेंड होकर ये ऊपर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो हमारा यहीं तक आएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, फर्स्ट जो स्टील है वो हमारा यहाँ कहीं आएगा, सेकेंड यहाँ आएगा, और इस तरीके से हम इसको प्लेस करेंगे। ऊपर जब हम बेंड करने के बाद जाते हैं तो हमारे पास इतनी जगह होनी चाहिए कि मिनिमम हम ये दो डिस्ट्रीब्यूशन बार जरूर प्रोवाइड करें। तो ऊपर टॉप में मिनिमम टू डिस्ट्रीब्यूशन बार इज मस्ट, इससे कम नहीं होना चाहिए, हम ज्यादा ले सकते हैं, राइट। ये जो फर्स्ट बार की स्पेसिंग है, यदि मेरी ये वाली स्पेसिंग पी है, सपोज दिस इज पी, तो दिस डायमेंशन मेरा पी है, ठीक है। दोनों में जो दो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज पी। तो ये जो फर्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट के एंड से जो आ रहा है वो हाफ ऑफ द पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पी और लेस देन पी और हाफ ऑफ द पी, इसके इक्वल आना चाहिए ये वाला डायमेंशन। तो उसके बाद सारे हमारे जो ये पी इज अ स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा रहे हैं यहाँ पर उसकी डिस्टेंस हमने स्पेसिंग निकाली है। जब हमने स्लैब डिजाइन करी है तो हमने ये स्पेसिंग वर्कआउट करी है, जितनी ये स्पेसिंग है दैट इज हमने इसमें लिया, सपोज वो पी है तो पी से जो फर्स्ट बार है फ्रॉम द एंड इस कॉर्नर से जो सपोर्ट आ रहा है हमारा बीम आ रही है या वॉल आ रही है उसकी जो सपोर्ट है उस कॉर्नर से बीम के कॉर्नर से हम हाफ ऑफ द पी और लेस देन हाफ ऑफ द पी उसके बाद उससे ज्यादा नहीं ले सकते, उससे कम लेकर फर्स्ट बार को हम प्लेस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार को, फिर उसके बाद जो स्पेसिंग हमने वर्कआउट करी उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्ट्रीब्यूशन बार को अरेंज करेंगे और उसका प्लेसमेंट करेंगे। ऊपर जो हम देखते हैं तो जैसे कि अभी आपको बताई कि ऊपर हम मिनिमम दो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे इस डिस्टेंस में, इस यहां से ये जो हमको जगह मिल रही है उसमें मिनिमम दो डिस्ट्रीब्यूशन बार आने चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो वन वे स्लैब है उसमें मेन जो रेइंफोर्समेंट है वो शॉर्टर साइड में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में लॉन्गर साइड में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार सीधे सीधे चलते हैं, उसमें कोई कर्टेल नहीं होता, कोई बेंट नहीं होता है। जो मेन बार्स है उनको अल्टरनेटिव बार्स को हम अल्टरनेटिव डायरेक्शन में बेंड करते हैं। फर्स्ट बार को यदि हमने इस फेस पे बेंड किया है तो सेकेंड नेक्स्ट बार को हम सेकेंड एंड पे बेंड करेंगे, फिर इस पॉइंट पे बेंड करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बेंड करेंगे। इस प्रकार अल्टरनेटिवली डायरेक्शन में हम अल्टरनेटिव बार्स को बेंड करते जाते हैं और पूरा यहां से लेके यहां तक हम बार्स का प्लेसमेंट करते हैं। इस प्रकार ये हमारे वन वे स्लैब का डिजाइन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है टू वे स्लैब। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है टू वे, वन वे में हम वन डायरेक्शन में मेन रेइंफोर्समेंट लेते हैं, टू वे है तो बोथ डायरेक्शन में हम मेन रेइंफोर्समेंट लेंगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील एज सच नहीं आता है, जो भी स्टील आता है वो मेन रेइंफोर्समेंट होता है। जैसे कि मैंने एक ये प्लान बनाया है, ये ऑलमोस्ट एक स्क्वायर स्लैब का डिजाइन है, स्क्वायर स्लैब है और उसमें हमको टू वे के हिसाब से रेइंफोर्समेंट शो करना है, राइट। टू वे में भी वैसा ही हम सेम लेते हैं कि ये अल्टर बार है, फर्स्ट बार हमने सपोज यहाँ से लेके इधर कर्टेन किया तो वो फिर आखिर तक स्ट्रेट जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। नेक्स्ट बार जो होगा वो हमारा स्ट्रेट चलेगा फ्रॉम दिस एंड और नेक्स्ट टाइम पे जाके कर्टेन जाएगा, उसके नेक्स्ट आएगा तो फिर कर्टेन होगा और फिर स्ट्रेट जाएगा। अल्टरनेटिवली बार एक बार बैंड इस डायरेक्शन में होगा, फर्स्ट बार सेकेंड बार इस डायरेक्शन में अपोजिट कॉर्नर्स में, फिर इस डायरेक्शन में बेंड होगा, फिर इधर बेंड होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, ऐसा करते हैं हम इसको बेंड करते हैं। टू वे स्लैब में ऐसे ही हम वन वे में भी कर रहे थे, टू वे में क्या होगा हमारे चारों साइड में बार्स बेंड होकर ऊपर जाते हैं, चारों साइड से हमको एक सपोर्ट मिलता है टू वे स्लैब में। वन वे स्लैब में हमको दो एंड पे सपोर्ट है तो हम स्लैब कास्ट कर सकते हैं, टू वे स्लैब में हमको चारों साइड सपोर्ट नेसेसरी है क्योंकि हमारी स्लैब का स्पान ज्यादा होता है, उस पर लोड ज्यादा होता है,
हम इसमें स्लग डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस डायरेक्शन में भी अल्टरनेटिव बार्स को बाइंड किया था, और जब इस डायरेक्शन में हम रिइंफोर्समेंट डालेंगे तो उसमें भी हम अल्टरनेटिव बार्स को वैसे ही बाइंड करेंगे। एक बार इधर इस डायरेक्शन इस कॉर्नर में बाइंड होगा, नेक्स्ट इस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर, इस टाइप से हम बार्स का प्लेसमेंट करते हैं। अगेन ये जो बैंड करते हैं, ये जो लेंथ है इसकी, ये पॉइंट एल, पॉइंट वन एल होती है। जिस डायरेक्शन में हम बैंड कर रहे हैं, सपोज इस डायरेक्शन में हम बैंड कर रहे हैं, तो ये जो लेंथ है ये एल वाई ली है, एल वाई का पॉइंट वन होगा। इस डायरेक्शन में मैं बैंड कर रही हूँ तो इस डायरेक्शन का जो स्पान है पॉइंट वन एल। उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। इसमें एक चीज और है कि अभी मैंने स्क्वायर स्लैब ली है टू वे, तो स्क्वायर स्लैब में हम कोई भी डायरेक्शन के, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के, किसी भी डायरेक्शन के बार को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। मतलब ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, इन दोनों में कहीं भी हम पहले इस डायरेक्शन के बार प्लेस करके फिर इस डायरेक्शन के लगा सकते हैं, या पहले इस डायरेक्शन के बार लगा के फिर इस डायरेक्शन के लगा सकते। बोथ डायरेक्शन में हम कैसे भी कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि मेरी स्लैब रेक्टेंगल है, स्क्वायर है तो हम किस एनी डायरेक्शन में ले सकते हैं, लेकिन यदि मेरी स्लैब रेक्टेंगल है तो जो मेरा शॉर्टर साइड है, सपोज दिस इज माई शॉर्टर साइड और दिस इज लॉन्गर साइड, जो शॉर्टर साइड का जो मेरे बार्स आएंगे वो पहले मैं बॉटम में प्लेस करूंगी और उसके ऊपर ये लॉन्गर साइड के बार्स ये वाले प्लेस होंगे, राइट। तो मेन जो डिफरेंस है टू वे और वन वे में वो बेसिकली ये है कि वन वे में हम वन साइड में, सॉरी वन वे स्लैब में हम वन डायरेक्शन में मेन रिइंफोर्समेंट लेते हैं और अदर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल जाते हैं। टू वे स्लैब में बोथ डायरेक्शन में हम मेन रेनफोर्समेंट लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज हमको जो ध्यान रखने वाली होती है कि यदि हमारी स्लैब रेक्टेंगल है तो जो शॉर्टर स्पान है उसके रेनफोर्समेंट हम बॉटम में लगा के उसके ऊपर हम लॉन्गर साइड वाले डायरेक्शन के जो बार्स आते हैं या रेनफोर्समेंट आता है उसको प्लेस करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ड्रॉइंग ऑफ स्लैब्स वन वे एंड टू वे इजीली क्लियर हो गया।